अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज को जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था, जो टॉपिक था, वो ये था कि करंट सिचुएशन को देखते हुए बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के कंसर्न थे जिनकी हमें जो है वो कॉल्स भी आई हैं, वो मैसेजेस भी आए हैं कि आप करंट सिचुएशन में बाइंग हमारे लिए बेहतर है या नहीं। उन लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, सभी जैसा कि जानते हैं कि मार्केट काफ़ी नीचे है। मार्केट में इस वक्त डेप्रिसिएशन हो रही है, लोग जो हैं वो चीज़ें सेल कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें, रिजनेबल चीज़ें जो मार्केट में तेज़ जो मंडी की सिचुएशन उसमें बिकने के लिए नहीं आती थी, इस वक्त हर चीज़ वो अवेलेबल है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और नहायत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बाइंग के लिए अगर देखा जाए तो इस वक्त बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है। अगर सारी चीज़ों को जो इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, 35% एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं या मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर है, इस चीज़ को अगर हम साइड पे कर दें, सिर्फ दूसरे पहलू से हम देखें कि मार्केट में इस वक्त अगर प्राइस कंपेयर किए जाएँ कि प्राइसेज क्या हैं, तो हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए अगर जो प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो इस वक्त चीज़ों की जो प्राइसेज हैं वो नहायत ही रीज़नेबल हैं। सपोज़ अगर 125 गज़ का प्लॉट आपको तेज़ मार्केट में 30 लाख का मिल रहा था, तो इस वक्त वही प्लॉट आपको 17-18-19-20 लाख की रेंज में अच्छा प्लॉट मिल जाएगा, जो एक नहायत ही पॉजिटिव वे है। अगर आप उसको देखते हैं कि उसको मज़ीद 6 महीने भी आप होल्ड करते हैं, मार्केट में थोड़ी सी बेहतरी आती है, तो वही प्लॉट आपको अच्छा खासा, मतलब मिनिमम 1 मिलियन तक आपको प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम बड़े प्लॉट्स की तरफ जाएँ तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो आपकी प्रॉफिट का मार्जिन है वो मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरीके से मार्केट को अगर हम ये देखें कि मार्केट अगर अल्लाह खैर से खैर के आने वाले कुछ टाइम में ये पॉजिटिव वे की तरफ निकलती है, मतलब प्रोग्रेस की तरफ जाती है, तो यही चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है और आप वाकई समझते हैं कि आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, 6 महीने की होल्डिंग कैपेसिटी है, 1 साल की होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये बेस्ट टाइम है बाइंग के हवाले से। हमारी रिकमेंडेशन है कि इस वक्त आपको नहायत ही रिजनेबल प्राइस के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें, जो आउट क्लास चीज़ें हैं, जिनका बायर मार्केट में तेज़ मार्केट में हाथों हाथ आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। बाकी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपके कम बजट में अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इस वक्त बाइंग के लिए बेस्ट टाइम है अगर आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी कभी ले डूबती नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी एक प्रॉपर्टी जो है वो एक लाइन को जो एक जो ड्रॉ लाइन उससे भी नीचे जाए, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आप प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन बात सिर्फ ये होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर। अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है जिससे आप अगर आप सपोज़ उसको 1-2 साल ना भी यूज़ करें तो आपको नुकसान नहीं होता, तो हमारी रिकमेंडेशन है बेस्ट टाइम है बाइंग के हवाले से, आप इसको बाय करें और इंशाल्लाह विद टाइम आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हेल्प के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए, और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।